बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता एवं प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर और उनके सहयोगियों ने हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर बिलासपुर जिला के विभिन्न स्थानों पर जाकर मास्क वितरित किए और लोगों को हिमाचल दिवस की बधाई दी। आशीष ठाकुर ने कहा कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी पूरे विश्व में लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए हम सबको सचेत होने की आवश्यकता है और सरकार के दिशा निर्देशों का लगातार पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के अनुसार हिमाचल प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पे युवा कांग्रेस लगभग 2 लाख मास्क वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। उनके निर्देशों का पालन करते हुए बिलासपुर में इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया। आशीष ठाकुर ने बताया कि 8 अप्रैल को इससे पहले 1 लाख होममेड मास्क हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि घर से बाहर निकलने पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमता पाया जाता है तो उसे जुर्माना या कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए उन्होंने जनता से अपील की है कि घरों में रहें, अगर आवश्यक हो तभी बाहर निकलें और अगर बाहर निकलें तो मास्क जरूर उपयोग में लाएं। आशीष ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा बढ़ाए गए लॉकडाउन का भी समर्थन किया। आज बिलासपुर युवा कांग्रेस ने प्रदेश युवा कांग्रेस के दिशा अनुसार जो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने फैसला लिया था कि हिमाचल दिवस के दिन जो हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस है वो प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में 2 लाख मास्कों का वितरण करेगी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने 1 लाख मास्कों का वितरण पूरे हिमाचल प्रदेश में किया है। इसी कड़ी को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज हमने बिलासपुर जिला के विभिन्न वार्डों में जाकर और साथ के साथ जो नानेकल नॉन है जहाँ से ऋषिकेश बहना जट्टा की तरफ लोग किश्तियों और बोट के माध्यम से जाते हैं, हमने उन लोगों को मास्क वितरित किए। जैसे कि पिछले कल प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं कि जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो बिना मास्क के ना निकले, क्योंकि अगर बिना मास्क के कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसको जुर्माना भी हो सकता है, साथ के साथ कड़ी से कड़ी सजा भी का भी प्रावधान किया गया है। तो हमने आज लोगों को प्रेरित किया कि ऐसे तो जितना संभव हो सके घरों के अंदर ही रहें, पर अगर अति आवश्यक कार्य से घरों से बाहर निकलना भी पड़े तो ज़रूर मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि आज जो कोरोना वैश्विक महामारी है ये दिन प्रतिदिन पूरे विश्व में बढ़ती ही जा रही है। हमें इसको रोकने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है, हम पूर्ण रूप से उसका समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।